अभी थोड़ी देर पहले इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मेरे को वीडियो बनाने के लिए वेट करना पड़ा है। तो ये आ गया आपके पनीर मिक्स पराठा, और ये है हमारे खुद जीरो ने ये पराठा बनाया है। इसका टेस्ट कैसा है? क्या बात है, खा कैसा टेस्ट कैसा? यहाँ का स्पेशल है भाई सेफ्रॉन टी। आप कुवैत में हो तो यहाँ पर आकर जरूर फोटो लेना, मस्त एकदम मस्त फोटो आता है यार। ये एरिया है शफत अल मुबारकिया। हेलो, हाय मैडम, कैसे हो आप सभी? आई होप कि बढ़िया होगे, मस्त होगे, ठीक होगे। कुवैत में रह करके इंडियन फूड को बहुत मिस करते हैं। मैं तो भाई स्वीट लवर हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ स्वीट को। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक MP09 रेस्टोरेंट, जहाँ पर आपको इंडियन फूड और इंडियन स्वीट्स मिलेंगे। तो लोकेशन यही है, देख सकते हो आप लोग, मिर्गाप, काफ़ी लोग उसको मिर्गाप बोलते हैं, काफ़ी लोग उसको मुबारकिया बोलते हैं। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखाता हूँ MP09 रेस्टोरेंट कौन से एरिया में है और कहाँ पर है। चलो फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये है मुबारकिया कुवैत म्युनिसिपैलिटी, वेलकम टू मुबारकिया। ओके, ये एरिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नेस्टो दिख रहा है। ओके, दिस इज द नेस्टो बोलना एक्सचेंज। यार दिवाली आ रही है, मिस हो गया, नहीं तो अगर दिवाली से पहले ये ब्लॉग आया होता ना तो सही रहता। काफ़ी लोग स्वीट दिवाली में, काफ़ी लोगों को स्वीट चाहिए होता है, तो यहाँ पर स्पेशल स्वीट, बढ़िया बढ़िया स्वीट मिलता है। तो चलिए फिर अलमुल्ला एक्सचेंज के जस्ट इधर आपको जाना है, यहाँ पर मैकडोनल्ड दिख रहा है, यहाँ पर नेस्टो आपको दिख रहा है, इधर ही चलना है हमें। यस, MP09 रेस्टोरेंट जस्ट UPE रेस्टोरेंट के बगल में ही है। यहाँ पर मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्वीट है। इतने सारे स्वीट मैंने कुवैत में पहली बार देखे एक साथ, और ऐसे ऐसे स्वीट, आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा ना, मुंह में पानी क्यों लाओ यार, यहाँ पर आके लो। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले इतनी भीड़ थी कि मेरे को वीडियो बनाने के लिए वेट करना पड़ा। भी वैरायटी के बर्फी आपको दिख रहे हैं, पूरे 4 दिनार पर KG है। और काजू कतली भी यहाँ पे, तो काजू कतली यहाँ पे भाई ओरिजिनल मिलता है, जो कि और एक से एक बर्फी यहाँ पे देख सकते हो, काफी वैरायटी के बर्फी है। तो ये लड्डू का क्या प्राइस है? 3 दिनार, 3 दिनार पर KG है। और एक बात, अगर आपको वन पीस खाना है यहाँ पर तो आप इसको वन पीस भी ले सकते हो, 200 फिल्स में आप लेकर के खा सकते हो, जो भी कोई भी एक मिल सकता है ना, पर पीस मिल सकता है ना, पर पीस भी आपको मिल जाएगा। चलिए इनमें से कोई एक बर्फी उठाते हैं और टेस्ट करते हैं कैसा टेस्ट है। चलिए टेस्ट करते हैं, देखते कैसा। आप तो आप टेस्ट करके दिखाओ कैसा है, जेनुइन बताना भाई, इंडिया का जैसा लग रहा है कि नहीं, जैसे इंडिया में हम स्वीट खाते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, 200 पिल्स में यार, क्या चाहिए आपको? KG चाहे KG लो, 20 अगर चाहे आपको तो 20 लो। तो अगर मेरी वीडियो देख के आते हो ना, तो आपको यहाँ पर आने के बाद अगर 1 KG 2 KG लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जी भाई, मिल जाएगा ना। तो इस रेस्टोरेंट के ओनर की तरफ से मैंने बात किया, मैंने बोला अगर मेरे हटकेस यहाँ पर आते हैं तो अगर अच्छे क्वांटिटी में जो भी लेते हैं यहाँ पे, या लंच करने आते हैं या डिनर करने आते हैं, कुछ भी अगर अच्छा खासा उनका बिल रहा, अगर मेरी वीडियो इनको दिखाते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बने रहे ब्लॉग में, बर्फी खा लेता हूँ। और ये रहा यहाँ का मेन्यू, आप वीडियो रोक करके आराम से देख सकते हैं। तो मैं इसमें से जो मुझे अच्छा लगे वो मंगवाने वाला हूँ। तो ये यहाँ का पानी पूरी आप देख सकते हो, 750 में 8 पीस आता है, और पानी मिलता है, ये है चटनी, और ये है छोला, आप खुद से भर सकते हो जितना चाहे उतना क्वान्टिटी में। बढ़िया भाई, सही है। 750 फिल्स में 8 पीस गोलगप्पे पानी पूरी यहाँ पे मिलते हैं। वालों पनीर मिक्स पराठा का, तो ये जो रेस्टोरेंट है भाई प्योर वेज रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आपको जीरा राइस मिलेगा, वेज पुलाव मिलेगा, पनीर मिक्स पराठा मिलेगा। तो अभी मैंने ऑर्डर किया पनीर मिक्स पराठा, आता है देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। क्या
तो ये आ गया आपके पनीर मिक्स पराठा, और ये है हमारे कुक जीरो ने ये पराठा बनाया। तो सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको जेन्युइन के इसका टेस्ट कैसा है, उसके बाद इनसे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। क्या बात है, देख सकते हैं आप लोग पूरा पनीर है इसमें। चलिए देखते हैं, चटनी मिला है। ये क्या है, बताइए। बिल्कुल बढ़िया टेस्ट है, और ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया में हूँ और इंडिया का पराठा खा रहा हूँ। तो आपको इनसे मिलवाता हूँ जिन्होंने इस पराठे को बनाया। तो भाई आपका नाम क्या है? ओके, तो ये पराठा आप बनाते हो राइट? भाई बहुत ही टेस्टी पराठा है कसम से। तो आप लोग को भी अगर खाना है तो यहाँ पर आ सकते हो। इसके अलावा और कौन सा पराठा मिलता है? ओके, आलू पराठा। नेक्स्ट सेव पराठा। तो यहाँ पर प्याज सेव पराठा भी मिलता है, जिसका प्राइस है 500 फिल्स। और इसका प्राइस क्या है? 500 फिल्स। तो 500 फिल्स में आपको पनीर पराठा मिल रहा है, और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। और आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ यहाँ का स्पेशल, है भाई सेफ्रॉन टी। सो 350 में आपको सेफ्रॉन टी मिलता है। तो इसको भी टेस्ट करके आपको बताता है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है सेफ्रॉन टी। तो चाय भी आप बनाते हो या पराठा बनाते हो? तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनाते हो यार पराठा का, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल गया। तो जिनको भी यहाँ पर आना है आकर के पनीर पराठा सेव पराठा खा सकते हो। और आप देख सकते हो डिस्प्ले भी लगा है आपको यहाँ पे। वेज पुलाव ओनली 750 फिल्स में मिल जाएगा, जीरा राइस 300 फिल्स में मिल जाएगा, और यहाँ पर काफ़ी सारे आपको फूड मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारे मिक्सर हैं। तो टोटल नमकीन आइटम आपको यहाँ पे 2.5 दिनार पर केजी में मिलता है, और यहाँ पे काफ़ी सारे मिक्सर है, नमकीन है, आप देख सकते हो। तो जिन जो भी भाई नमकीन लवर है वो आकर यहाँ पर देख सकते हैं। ट्राई कर रहे हैं शेफ्रॉन चाय। तो भाई पी के बताओ कैसा है? मैंने तो ऑलरेडी पिया है, आप बताओ कैसा है? ये तो भाई ने चाय पिया। ओ भाई क्या कड़क है यार, मस्त है ना? देखो भाई सेफ्रॉन डाला हुआ है इसमें, पियो पियो। आप देख सकते हो टिकिया चाट, छोला कचौरी, छोला समोसा, सेफ्रॉन टी, कोल्ड कॉफी। भाई आपको देख लो प्राइस भी यहाँ पे काफी सस्ते में मिल रहे हैं यार। तो यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, जो भी हमारे इंडिया में मिलता ना फूड, आपको स्ट्रीट फूड हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, समोसा वगैरह सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे भाई रिजनेबल प्राइस में काफी सस्ते है। तो जिनको भी यहाँ पर आना है, लोकेशन ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है। पर आपके यहाँ का लस्सी अगर आपने ट्राई नहीं किया तो फिर क्या किया? ये है सादा लस्सी, और ये है भाई ड्राई फ्रूट्स वाला लस्सी। अभी भाई काफ़ी स्टाफ बिजी है ना, तो इसके लिए इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाला। तो पूरा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ मिलेगा आपको ये। इसका प्राइस है 750 फिल्स, और इसका ओनली 9 KD। तो यहाँ पे लस्सी भी काफ़ी अच्छा मिलता है, आप लोग देख सकते हो। तो एक बार यहाँ पर विजिट करके जाओ, फूड यहाँ का एंजॉय करो, और कमेंट में मुझे बताना आपको कैसा लगा यहाँ का फूड, चाहे वो स्वीट हो, चाहे वो चाय हो, कुछ भी हो कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और ये जो चाय है ये 100 फिल्स वाला है, तो इसे भी पी के देखते हैं इसका क्या टेस्ट है। भाई कड़क है, ये भी मस्त है। और एक बात, ये जो रेस्टोरेंट है ना काफी पुराना है। इस रेस्टोरेंट का पहले जो नाम था वो था मधुर मिलन, और अभी कुछ सालों से ये MP09 के नाम से चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले 50 फिल्स भाई स्टार्टिंग हुआ था चाय, और उसके बाद पूरे कुवैत में हुआ। तो यहाँ पर इनका चाय जो है ना काफी पुराना और काफी अच्छा टेस्ट भी है। तो आप लोग एक बार जरूर आए यहाँ पर। ये जो है वो अभी तो भाई ने पी के खत्म कर दिया, तो मैं आपको दिखा था 100 फिल्स का चाय है, और ये सेफ्रॉन वाला था। तो ये भी नहीं, ये तो एकदम बेस्ट था। अभी आप क्या बोले थे इससे थोड़ी देर पहले? एक बार मतलब पिए ना तो फिर दोबारा। आपने पिया तो बोला था कि जब भी आऊंगा पी के जाऊंगा। मैं 3 साल में पहली मरता हूँ। अच्छा लगा आपको? बाकी स्टारबक्स का पिया, हर जगह का पिया हूँ कॉफी, और कुवैती लोग का पिया, लेकिन बेस्ट में तो ये अच्छा लगा। तो जब भी आना पी के जाना बेस्ट। ये भी अगर पिए तो दोबारा तुमको खुद पीना पड़ेगा। नहीं सही है, मैंने भी पिया, सही है, बिल्कुल सही है। तो जिनको भी यहाँ पर आना है, मैंने लोकेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और मिर्गाव में ये रेस्टोरेंट है MP09।
तो जिनको भी यहाँ पे आना है आकर खाओ यहाँ पे फूड, यहाँ का एंजॉय करो, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको यहाँ का फूड कैसा लगा। फिर चलिए, फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में आपसे।